ओके, वेलकम बैक गाइस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए फ्रेश वीडियो और अपडेट के अंदर। आज जो है दोस्तों हमारे पास ना काफी तगड़ी यहाँ पर जो है अपडेट्स और न्यूज निकल के आई है, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी से शेयर करने वाला हूँ। मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन चल रहा, भर भर के मैनिपुलेशन। 25,000 का मार्क जो है अब तक बिटकॉइन ने नहीं तोड़ा है। 7 टाइम जो है कोशिश हो चुका है, पंप आता है, लोगों को लगता है अब ब्रेक हो गया, 25,000 के कुछ ऊपर भी जाता है, लेकिन वहां से तगड़ा गिरता है बिटकॉइन। यानी यहाँ पर पूरा कंट्रोल जो है व्हील्स का है यहाँ पर कहीं ना कहीं, और काफी अच्छा खासा लिक्विडेशन भी हो रहा है। बट वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जरूर फॉलो करना। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों चाइना की, जहाँ से काफी अमेजिंग निकल के आ रही है न्यूज। यहाँ दोस्तों इन्होंने जो है हांगकांग जो प्रपोजल दिया था कि क्रिप्टो हब हम हांगकांग में बनाएंगे, उसको कहीं ना कहीं दोस्तों बैक कर रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, वो भी चाह रहा कि भाई हांगकांग के अंदर जो है क्रिप्टो हब बने, और आपको पता है कि इससे कितना ज्यादा उसको रिवेन्यू जनरेट होगा, और इसके पीछे चाइना पूरा फुल जो है सपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। और भाई कोई कंट्री है जो कि इस तरह से अगर क्रिप्टो के पीछे अगर पड़ जाए, तो इन सभी कंट्री जो इसको नकारते हैं ना, उसके लिए एक सीख है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जम्बिया की। जी हाँ दोस्तों, जम्बिया एक छोटा सा कंट्री है, बट दोस्तों उन्होंने भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो के टेक्नोलॉजी को यहाँ पर टेस्ट किया है फॉर द रेगुलेशन के लिए। यानी कि वो कंट्री भी, जम्बिया भी चाह रहे हैं कि हम क्रिप्टो को रेगुलेट करें। ऐसा वहां का जो है मिनिस्टर है, जी हाँ दोस्तों मुटाटी, उन्होंने ये बयान दिया है कि भाई हम जो है ना टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करता है, कैसे इसके अंदर जो है हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो, कैसे हमारे यहाँ के जो लोग जो है इसको अच्छे से यूज करें, कैसे हम इसका फायदा उठाएं, इन सभी का टेस्ट हो रहा है। और जैसे ही हमें लगेगा कि अब वो समय आ गया, अब वो टाइम आ गया है, तो हम क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे। तो ये सेकेंड बहुत बड़ी यहाँ पर न्यूज निकल के आई है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। कहीं ना कहीं दोस्तों क्रिप्टो को एक बूम देने के लिए ना काफी अमेजिंग ये न्यूज है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ग्रेव कॉइन की। या दोस्तों ग्रेव कॉइन भाई काफी अच्छा खासा कर रहा है, 5 बिगेस्ट लिस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट 2 वीक के अंदर। जॉनी जी ने भी अनाउंसमेंट की है, ऑफिशियल ट्विटर चैनल से भी अनाउंसमेंट आई है, हमारे दूसरे चैनल पे क्रिप्टो इनकम पे पूरा डिटेल वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी मिलने वाला है। 2 एक्सचेंज का ऑलरेडी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, बाइकनॉमी और एसबीट। जी हाँ दोस्तों, बाकी 3 एक्सचेंज है जिसके ऊपर आने वाले समय के अंदर अनाउंसमेंट होगी, और भैया 2 हफ्ते के अंदर 5 एक्सचेंज के ऊपर भाई कहीं ना कहीं हाइप जरूर बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, 23 तारीख को होगा एसबीट के ऊपर, 24 तारीख को बाइकनॉमी के ऊपर। बाकी डिटेल जो है दूसरे चैनल पे जाके देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लूफी टोकन की, जो कि भैया बर्निंग कर चुका है स्टार्ट, और 3% आज की डेट में बर्निंग होगी इसकी टोटल सप्लाई का। 3% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लूफी के ऊपर नजर जरूर बना के रखना, बाय या सेल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नजर जरूर बना के रखना, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक अच्छा हाइप भी आ सकता है, और प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इससे ले सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर बात करते हैं बिटगर्ट की, जो कि काफी अमेजिंग वर्क तो कर ही रहा है, और इन्होंने अभी जो है दोस्तों बिटगर्ट का जो एक्सचेंज है गूगल प्ले स्टोर पे तो आपको मिल जाएगा, बट एप्पल स्टोर के ऊपर नहीं है। इसके लिए इन्होंने फॉर्म भरा था, जिसका जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो है अप्रूवल आ चुका है, और एप्पल स्टोर की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है इसको। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं अब आप बिटगट एक्सचेंज को अपने एप्पल स्टोर के ऊपर भी जो है इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि काफी गुड न्यूज है, काफी अमेजिंग है। अब लोग जो है बिटगट एक्सचेंज को ना ही गूगल प्ले स्टोर से बल्कि एप्पल स्टोर से भी इंस्टॉल करके अपने फोन के अंदर उसको जो है यूज कर सकता है, और भाई कहीं ना कहीं इससे इसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इसका यूज बढ़ेगा, है ना भाई। 0 ट्रेडिंग फीस है तो कौन नहीं इसको यूज करेगा। इसके साथ साथ फाइनल लास्ट मेगा न्यूज की बात करते हैं, बेबी डॉज कॉइन की। 12.6 ट्रिलियन जो है लास्ट 24 आवर के अंदर बर्न हुआ है, बर्निंग भाई रुक नहीं रहा है, काफी अच्छा बर्न हो रहा है। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, देख रहा है कि भाई कहाँ तक ये जा रहा है और किस तरह से ये काम कर रहा है, बर्निंग पोर्टल जो है कितना और बर्न कर रहा है, और लिस्टिंग भी आशंका जताई जा रही है कि बड़ी बड़ी लिस्टिंग देखने को मिलेगा कुछ ही हफ्ते या महीने के अंदर। देखते हैं कौन सा एक्सचेंज लिस्ट कर सकता है। तो ये कुछ न्यूज़ और अपडेट थी दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो और ये न्यूज़ अपडेट आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करना, पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जरिए फॉलो करना। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बता नक्शों में आज कितना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।